स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल साहित्यक जानकारी ते। अज दे इस वीडियो विच आपां डॉक्टर हरभजन सिंह बारे पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करांगे। डॉक्टर हरभजन सिंह देखो एक पंजाबी कवि, आलोचक, सांस्कृतिक टीकाकार अते अनुवादक सन। अमृता प्रीतम दे नाल ही पंजाबी कविता की शैली विच क्रांति लियाउण दा सेहरा डॉक्टर हरभजन सिंह नूं भी जांदा। जन्म होया इन्हां दा देखो 18 अगस्त 1920, ते जन्म स्थान लमडिंग असम दे विच है। पिता जी का नाम गंडा सिंह, माता जी का नाम गंगा देई। स्वर्गवास होए देखो 21 अक्टूबर 2002। फिर इन्होंने उच्च विद्या कॉलेज जाने तो बिना हासिल की। उन्होंने को अंग्रेजी ते हिंदी साहित्य विच दो डिग्रियां सन, ते दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी तो प्राप्त कीतियां उन्होंने। तो उन्होंने PhD थीसिस गुरमुखी लिपि हिंदी कविता बारे विचार विमर्श से, यानी हैगा तो गुरमुखी लिपि दे विच सी, पर वो किसी हिंदी कविता दे बारे विचार विमर्श सीगा। डॉक्टर हरभजन सिंह दा सब तो महत्वपूर्ण पक्ष उन्हां दी विहारिक समीक्षा दा है, जेड़ा कविता, कहानी, नावल अते नाटक तक फैल के उन्हां दी समुची पंजाबी समीक्षा दे इतिहास विच विलक्खणता नूं सिरजदा है। सन्मान प्राप्त होए जिहड़े जिहड़े देखो इन्हां नूं 1970 ईस्वी दे विच ना धुप्पे ना छावें लई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया भारत सरकार वल्लों। 1987 ईस्वी दे कबीर सन्मान, 1994 ईस्वी इन्हां नूं सरस्वती सन्मान मिलिया, 1994 फिर साहित्य अकादमी फैलोशिप नवी दिल्ली वल्लों। 2002 ईस्वी दे धालीवाल सन्मान पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाणा वल्लों, ते सोवियत लैंड नहरू अवार्ड भी मिलिया इन्हां नूं। देखो ये अवार्ड है इन्हां दे, याद रखने ध्यान नाल। अगे डॉक्टर हरभजन सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक पुस्तकां अध्ययन ते अध्यापन का प्रकाशन 1970 दे विच होया। मुल ते मुलांकन 1972 च, साहित्य शास्त्र 1973 च, साहित्य सिद्धांत 1973 च, पारगामी 1976 च, रचना संरचना 1977 च, रूप की 1977 च, साहित्य विज्ञान 1978 च, सिस्टमी 1979 च, साहित्य अध्ययन 1981 च, पत्रांजलि 1981 च, प्यार ते परिवार 1988 च, ते खामोशी दा जंजीरा 1988 दे विच। पंजाबी साहित्य दे खेत्र विच आप दा उग्गा स्थान है। ते काव्य रचनावां देखो आप दियां, लासां 1956 च प्रकाशित होई, तार तुपका, अदरैनी 1962 च, ना धुप्पे ना छावें 1967 च, सड़क दे सफे उत्ते 1970 च, मैं जो बीत गया 1970 च, अल्फ दुपहर 1972 च, टुक्कियां जीबां वाले 1977 च, महका नू जिंदरे ना मारी 1983 च, अलविदा तो पहला 1984 च, मावां तियां 1999 च, निक सुख 1999 च, मेरी काव्य यात्रा 1999 च, चौथे दी उड़ीक 1991 च, रुख ते ऋषि 1992 च, ते मेरा नाम कबीर 2000 दे विच प्रकाशित होई। ये काव्य रचनावां इन्हां दीआं। डॉक्टर हरभजन सिंह ने पंजाबी काव्य नूं बहुत सारे नवीन विषय दिते, ते रूपक पक्ष तों वी इन्हां ने इस नूं अमीर बनाया। ते उन्हां दी काव्य कला ते पंजाबी काव्य नूं देण दा वर्णन है जिहड़ा, ओह इस तरह है जिवें युग बोध। इन्हां दी कविता दा इक विशा युग बोध है, ते उन्हां ने अपनी कविता विच विज्ञानिक युग दी नवीन चेतना नूं प्रगटाया। इस लई आपदी कविता बुद्धिजीवी मनुख दे जीवन नूं विशा बनाउंदी है। अगे आ गया होंदवाद। होंदवाद देखो उन्हां दी कविता दा दूजा विशा है। इस विशे नूं उन्हां दे कई काव्य संग्रह प्रगटाउंदे हन। ते सोहजवाद, इस प्रसंग विच उन्हां दीआं जिवें अदरैनी नां दीआं कवितावां रखियां जा सकदियां। इस काव्य संग्रह विचले सारे गीत अपने सोहजवाद पक्षों प्रसिद्ध हन। अप्रमाणिकता, डॉक्टर हरभजन सिंह अनुसार अज दे युग विच मनुख दा आपा खंडित है अते उस दी होंद अप्रमाणिक है। इस गल दा प्रगटावा आप अपनी एक कविता तेरे हजूर मेरी हाजरी दी दास्तान विच बहुत खूबसूरती दे नाल करदे है। प्रगतिवादी अंश देखो, भावें निरोल प्रगतिधारी धारा दे कवियां विचों आप दा नाम नहीं आउंदा, पर तार तुपका पड़ाव उत्ते इस विचारधारा नूं कबूलिया जरूर है। त्रै मासक पत्रकार रूपरेखा दे जुलाई सितंबर 1967 दे अंक विच प्रकाशित एक इंटरव्यू विच ओह आखदे आ वी, इमोशनली मैं परलों तारी हाँ, मेरे दिमाग विच कई विचारधारावां दा मिश्रण है।
मार्कस मैं पढ़िया है ते मार्टर मैं पढ़ाया है। ठीक है, रूपक पक्ष तो का विशेषतावां देखो इन्हां दीआं, छंद मुक्त ते छंद युक्त कविता। नाम तो ही पता लगता भी इन्हां दीआं कई कवितावां जिथे छंद युक्त हन उथे छंद मुक्त भी हन। दोनों तरह दीआं कवितावां जिहड़ीआं इह इन्हां दीआं मिलदीआं। खास विशेषता इह क्योंकि ज़्यादातर की है जिन्हां दीआं छंद मुक्त कवितावां हुंदीआं उन्हां दीआं छंद युक्त नहीं हुंदीआं, ते जिन्हां दीआं छंद युक्त हुंदीआं उन्हां दीआं छंद मुक्त नहीं हुंदीआं। पर इन्हां दी एक खास विशेषता वी इन्हां दीआं दोनों तरहां दीआं कवितावां जिहड़ीआं उह मिलदीआं। अलंकार देखो, इन्हां ने थां थां ते अपनीआं कवितावां दे विच अलंकारां दी वरतों कीती है। जदों कवि अपनी कविता विच अपनी गल आखदा उपमावां जां तस्वीहां, जदों उपमा जां रूपक अलंकार दी वरतों कीती गई हुंदी है। अगे हैगा रस, कविता विच आउण वाले स्वाद नूं रस कहा जांदा है। ठीक है, पता ना सानूं जिवें रस, रस बारे पढ़ाया, सारे रसां बारे भी मैं पढ़ाया स्पैशल एक वीडियो दे विच जिहदे विच दस्सिया वी सानूं जदों असीं पढ़ रहे हुंदे आ ना उहदी सानूं उस चीज़ दा स्वाद आउण लग जांदा जिहड़ियां कि जिहड़ा कि कविता दे विच लाइनां हुंदियां। इस करके उस आउण वाले स्वाद नूं रस कहा जांदा। ते कवि हरभजन सिंह ने इस काव्य संग्रह दे विच वधेरे करके सोहज अपनाउण लई शिंगार रस दी जां फिर खंडित अप्पे नूं प्रगटाउण दे लई करुणा रस दी वरतों कीती है। ते काव्य शैली देखो, होरना शैलियां दे नाल सूफी कवियां ते गुरबाणी वांग डॉक्टर साहब ने कई थावां उत्ते संबोधात्मक शैली दी वरतों भी कीती है। ते अगे हैगी है संवादात्मक शैली, ते उहनां दीआं कवितावां दे रूपक पक्ष ते शैली दे इक होर अंश है उह अपणीआं कई कवितावां विच विचारां नूं संवाद दे रूप विच वी पेश करदे है। प्रतीक ते बिंब देखो, इन्हां ने कई थावां दे उत्ते प्रतीकां ते बिंबां दी वरतों कीती है ते उहनां दे राहीं ही अपने विचारां दा प्रगटावा कीता। ते इह सी देखो डॉक्टर हरभजन सिंह बारे पूरी पूरी जानकारी। वीडियो नूं ध्यान नाल देखो ते उहनां दीआं विशेषतावां रूपक पक्ष तों ते उहनां दे पंजाबी साहित नूं देन ते उहनां दे काव्य संग्रह ते उहनां दीआं अनुवादक पुस्तकां बारे याद करो। ते चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाओ तां कि हर वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे कोल सब तों पहलां पहुंच सके।